आज हम पढ़ेंगे अकार्बनिक रसायन प्रथम प्रश्न पत्र इकाई एक बीएससी सेकंड ईयर केमिस्ट्री का। संक्रमण श्रेणी के तत्वों का रसायन, केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। हमारे पाठ्यक्रम में संक्रमण तत्व, आवर्त सारणी में स्थान, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य लक्षण जैसे परमाणुवीय तथा आयनिक त्रिज्याएं, परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्थाएं, संकुल बनाने की क्षमता, रंगीन आयनों का बनना, चुंबकीय आघूर्ण μSO केवल चक्रण तथा μEFF एवं उत्प्रेरकीय व्यवहार, 4D तथा 5D तत्वों की अनेक उनके 3D तत्वों की आयनिक त्रिज्याओं, ऑक्सीकरण अवस्थाओं तथा चुंबकीय गुणों के संदर्भ में सामान्य तुलनात्मक अध्ययन। अब हम जानते हैं संक्रमण तत्व आवर्त सारणी में, आवर्त तालिका में इसका स्थान, ट्रांजिशन एलिमेंट्स पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी में दीर्घ रूप में तत्वों की व्याख्या उनके अंतिम कोषों में उपस्थित ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरने के आधार पर की गई है। इस प्रकार तत्वों को चार भागों ब्लॉक्स में विभाजित किया गया है, जिन्हें क्रमशः एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक कहते हैं। आवर्त सारणी में एस ब्लॉक एवं पी ब्लॉक के तत्वों के मध्य डी ब्लॉक के तत्व पाए जाते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। इन तत्वों के n-1 डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन उपरोक्त प्रवेश करते हैं। संक्रमण तत्वों का सामान्य बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d1 से 10, ns0 से 2 होता है, अतः इन्हें डी ब्लॉक तत्व भी कहा जाता है। अभी तक कुल संक्रमण श्रेणियां ट्रांजिशन सीरीज ज्ञात हैं। अभी तक कुल चार संक्रमण श्रेणियां ट्रांजिशन सीरीज ज्ञात हैं। ये श्रेणियां क्रमशः 3D, 4D, 5D एवं 6D ऑर्बिटल्स में उत्तरोत्तर इलेक्ट्रॉन भरने से निर्मित होती है। इनमें से चतुर्थ संक्रमण श्रेणी 6D श्रेणी अपूर्ण है, जिसका अध्ययन एफ ब्लॉक तत्वों के साथ किया जाता है। IUPAC द्वारा अनुशासित आवर्त सारणी का दीर्घ रूप सारणी 1.1 में प्रदर्शित किया गया है। दीर्घ आवर्त सारणी में संक्रमण तत्व मध्य भाग अर्थात एस ब्लॉक और पी ब्लॉक तत्वों के बीच स्थित है। यह स्थिति इसके संक्रमण तत्व नाम को सार्थक करती है, क्योंकि इनके गुण अतिक्रियाशील एस ब्लॉक की धातुओं तथा अधिकांशतः सहसंयोजी बनाने वाले पी ब्लॉक के तत्वों के मध्य संक्रामी ट्रांजिशन होती है। अभी तक संक्रमण तत्व की स्पष्ट परिभाषा नहीं दी जा सकी है। इन तत्वों की एक विशेषता यह है कि ये अपने n-1 d ऑर्बिटल्स को रासायनिक बंध बनाने में प्रयोग करने में सक्षम है। इस आधार पर इन्हें इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, वे सभी तत्व जिनमें परमाणीय अवस्थाओं में अथवा उस तत्व की किसी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में d ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे हों संक्रमण तत्व कहलाते हैं, अथवा वे सभी तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं जिनके परमाणु अथवा आयन में अपूर्ण रूप से भरे डी कक्षक डी ऑर्बिटल उपस्थित हो। इस परिभाषा के अनुसार वर्ग 12 या समूह 2B में के तत्व जिंक, कैडमियम एवं Se की गणना संक्रमण तत्वों में नहीं हो सकती, क्योंकि इनकी परमाणु अवस्था
N-1 D10 NH2 तथा +2 ऑक्सीकरण अवस्था N-1 D10 NH0 जो इन तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है। दोनों में ही इनके डी कक्षक डी ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरे हुए हैं, जबकि वर्ग 11 में या समूह 1B में के तत्व Cu, Ag व Au इस परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, अतः वे निश्चित रूप से संक्रमण तत्व हैं। वर्ग 11 के तत्वों का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-1 D10 NS1 है, जिसमें D कक्षक पूर्णता भरे हुए हैं, किंतु उनकी एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था जैसे Cu2 3d9, Ag2 4d9 तथा Au3 5d8 में D कक्षक अपूर्ण रूप से भरे होते हैं, अतः Cu, Ag एवं Au निश्चित रूप से संक्रमण तत्व होते हैं। अब उन सभी डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है जिनके N-1 डी कक्षक में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सारणी 1.1 आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घ रूप, इसमें आप देख रहे हैं S ब्लॉक और यहाँ D ब्लॉक और ये P ब्लॉक। S ब्लॉक और P ब्लॉक के मध्य D ब्लॉक के तत्व पाए जाते हैं, जिसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी संक्रमण तत्व कहते हैं। इस चित्र का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मुख्य संक्रमण वर्ग या डी ब्लॉक के संक्रमण तत्व की 4 श्रेणियां पाई जाती है, जिन्हें तत्वों के आंशिक रूप से भरे मुख्य ऊर्जा स्तर के डी कक्षक के आधार पर निम्नानुसार विभाजित किया गया है। पहला प्रथम संक्रमण श्रेणी या 3D श्रेणी, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज और 3D सीरीज। दूसरा द्वितीय संक्रमण श्रेणी या 4D श्रेणी, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और 4D सीरीज। तीसरा तृतीय संक्रमण श्रेणी 5D श्रेणी, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और 5D सीरीज। चतुर्थ संक्रमण श्रेणी 6D श्रेणी, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज और 6D सीरीज। उपरोक्त 4 संक्रमण श्रेणियों में से प्रथम 3 श्रेणियां पूर्ण हैं, जिनमें प्रत्येक में 10 तत्व हैं। चतुर्थ संक्रमण श्रेणी अपूर्ण है, इस श्रेणी में वर्तमान में डी ब्लॉक या संक्रमण तत्वों के अंतर्गत केवल प्रथम 3 श्रेणियों का ही अध्ययन किया जाता है। प्रथम संक्रमण श्रेणी या 3D श्रेणी के तत्व चौथे आवर्त में पाए जाते हैं। इस श्रेणी में SC Z = 21 से Zn Z = 30 तक कुल 10 तत्व आते हैं, जिनके 3D कक्षकों में क्रमशः एक एक इलेक्ट्रॉन भरकर तृतीय मुख्य क्वांटम स्तर का पूरा करते हैं। उसे सारणी 1.2 में प्रदर्शित किया गया है। सारणी 1.2 प्रथम संक्रमण श्रेणी या 3D श्रेणी, आवर्त 4, वर्ग 3 से लेकर 12 तक, तत्व परमाणु क्रमांक संयोजी कोष स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक 21 से 30 तक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धन्यवाद। इसका अगला भाग हम जल्द ही अपलोड करेंगे।